हाय फ्रेंड, दिस इज अखिलेश, आई एम विद मुकेश। और हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा लंबा ट्रिप प्लान किया है हजारीबाग। द डिस्टेंस होगा अराउंड 675 किलोमीटर। जो रास्ता कवर करने वाले हैं पूना, औरंगाबाद, नागपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए नागपुर को निकलेंगे। तो अभी हम लोग पुणे से स्टार्ट कर रहे हैं। बिटवीन पुणे एंड नगर इज गुड, इट इज 4-lane रोड। लेकिन यदि आप अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलते हो तो थोड़ा सा आपको क्राउड मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा। ट्राई टू अवॉइड वांगुली एंड ऑल द इंडस्ट्रियल एरिया। पहले के 10 किलोमीटर आपको थोड़े से ट्रैफिक मिलेगा, देन रोड इज रियली ब्रॉड एंड गुड। और आप जल्दी निकलो तो ज्यादा बेहतर है। We just crossed Ahmednagar. There was a bit of traffic in Ahmednagar, and at least 6-7 kilometer crossing Ahmednagar, you will get a very clear road. Road condition is good. Road is very good. Up to Ahmednagar, we find very good roads. मस्त है और मस्त का एकदम है रास्ता, गाड़ी भगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये ऑफिस आवर्स आएंगे आपको ऑफिस वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि ये बीच में जो राजन गांव और ये सब जो आता है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर पे आपको लोग सुबह सुबह ऑफिस आने वाले मिलेंगे। तो आप वो अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश करो, आप बहुत टाइम सेव कर लोगे। गाइस, प्लान योर ब्रेकफास्ट इन द सिटी इटसेल्फ, क्योंकि लॉन्ग रूट में यूजली पीपल कम खाते हैं, तो शहर में ही अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर इफ यू वांट टू हैव हैवी लंच और डिनर देन इट्स ओके, अदरवाइज फॉर ब्रेकफास्ट ट्राई टू डू इट इन सिटी। हम लोग ने औरंगाबाद क्रॉस कर लिया है। नाउ द टू वे हाईवे इज कंप्लीटेड, नाउ वी हैव सिंगल लेन रोड। काफी ट्रैफिक है जैसा आप देख रहे हैं। रोड कंडीशन नहीं है अच्छा, रोड की कंडीशन नहीं अच्छी है, थोड़ा खराब है। लेट्स सी, जैसे कि आपने देखा भी गाड़ी बहुत करीब से गई हमारे, प्लानिंग टू क्रॉस दिस टुडे। So now we are around 40 kilometers away from Aurangabad. रास्ते में आपको तीन टोल मिलेंगे यहाँ तक, बट यू डोंट हैव टू पे बिकॉज दोज आर फॉर ओनली हेवी व्हीकल्स। साइड वाले लेन से निकल जाओ, पैसा देने की जरूरत नहीं है। एंड और रोड कंडीशंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, खास करके स्पेशली आप जब अहमदनगर क्रॉस करते हो तो रोड बहुत अच्छा है। 100, 120, 130 तक आप आराम से गाड़ी भगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक भी मिनिमम है, बहुत जबरदस्त है। रोड इज फैंटास्टिक, एंजॉय जर्नी। नाउ वी आर ऑन द चालना टू काफी टाइम लग रहा है, और यहाँ पर होटल्स भी नहीं है अभी, तो ज़्यादा नहीं, अभी 20 किलोमीटर ही हुआ है अंदर, और स्टिल ड्राइविंग। नियर सुल्तानपुर द रोड इज एक्सट्रीमली पुअर, वी ड्राइव वेरी वेरी स्लो। रोड की हालत इतनी खराब है कि आपको कई बार हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ रही है। बीच में ठीक
शॉर्टकट है। रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन सिंगल रोड है, लेकिन ट्रैफिक एकदम नहीं है, तो आप 70-80 के स्पीड में आराम से चला सकते हो। थोड़ा सा सस्पेंशन अच्छी होनी चाहिए, हाँ जर्क महसूस होगा, बट इट्स गुड, यू कैन सेव लॉट्स ऑफ टाइम। आपके पास दो ऑप्शन है, इधर वर्धा होके जाइए या इधर यू गो डायरेक्टली टू अमरावती। अमरावती के बाद का टोल रोड पकड़ लिया है, ये 4 लेन रोड है और इसमें मस्त स्मूथ आप चला सकते हो गाड़ी। लेकिन करंजा से जब आप अमरावती का हाईवे पे लेते हो, अकोला वाले हाईवे पे, तो आपको 10-12 किलोमीटर बहुत ही स्लो ट्रैफिक में चलना पड़ेगा। सिंगल लेन है, मतलब डबल लेन है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो एक भी गाड़ी ओवरटेक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। We covered almost 770 kilometers today and we reached Bhandara. We are at Hotel Ashoka and having dinner. Seems good. Now let's taste. हम लोग भंडारा से निकले हैं संबलपुर के रास्ते पे। 4 लेन है, बीच बीच में सिंगल लेन भी आता है, वो तकलीफ देता है क्योंकि ट्रैफिक ना के बराबर है। कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा आपका ड्राइव स्लो करेगा, बट इट्स गुड। रोड कंडीशन अच्छा है, रोड खराब नहीं है, बाकी बहुत ही बढ़िया है। आप गाड़ी 120-130 तक 140 तक भी आप खींच सकते हो। Reached Raipur. The road was absolutely fine, but there are lot of toll. That's a right lane. Now we are in Odisha. हम लोग को रायपुर से निकले हुए अभी काफी देर हो गई है, लेकिन क्योंकि रायपुर से पिथौरा तक संबलपुर तक एक्चुअली तो द हाईवे इज़ वेरी गुड। रायपुर के बाद कुछ थोड़ी सी अच्छी हो गई थी, ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी, लेकिन वहाँ पर हाईवे पे इतने शार्प टर्न्स हैं कि वो बहुत बहुत ही डेंजरस ड्राइव है। तो प्लीज़ बी रियली बिलो 100, दो यू कैन इवन टेक टू 150, बट प्लीज़ बी बिलो बिकॉज यू सी। हमने रास्ते में अभी 2 एक्सीडेंट देख लिया है, ये एक ट्रैक तो एकदम सामने पूरा पलट गया और पलटते हुए देखे उनके जस्ट पीछे हमारी गाड़ी थी, हमने जस्ट उसको रोका गाड़ी वहाँ पे, और दोनों एक्सीडेंट में हमने मलहम पट्टी करी है, उसके कारण हम लोग डिले हो गए हैं और शायद हम डेस्टिनेशन में पहुँच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑन टाइम, क्योंकि बट ये बहुत गया है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है, अच्छा है, बट डेंजरस है, आपने टेम्पटिंग है, चलाओ टेम्पटिंग है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो टर्न है वो ब्लाइंड टर्न है एकदम। इनफैक्ट एक गाड़ी तो बीच सड़क पे थी, अगर वो आप ठीक टाइम पे नहीं देखो तो यू कैन गो एंड डैश इन इट, तो प्लीज।
हेवी रेन के कारण हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। लोग अभी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो डे लाइट यूज़ करना चाह रहे थे। अभी 5:15 ही हुआ है, लेकिन रेन इतना तेज है कि एकदम अंधेरा कर दिया। आगे निकलने और तेज हो गई थी, बीच में तो इतनी तेज थी कि सामने का भी कुछ नहीं दिखा। ठीक है, रोड कंडीशन ऑलमोस्ट ठीक है, डबल लेन है लेकिन ट्रैफिक कम है और रोड बेटर है। See the scenic beauty of Simdega. We are heading towards Simdega. I think only that. हमें बताऊंगा वो भी बनाऊंगा, बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा। मैं तो बस ऐसे लिख रहा हूँ कि जगह अच्छा लग रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग कम से कम 20-40 मिनट का डिले हो गया। ये यहाँ का हाईवे है, हमने राउरकेला का हाईवे ना लेके ये सिमडेगा हाईवे यूज़ किया है। ये हाईवे का साइज आप देख सकते हैं कि कितना है, थोड़ा सा रास्ता है ही नहीं। इनफैक्ट कुछ कुछ दूर पे आप बोलोगे है ही नहीं, खराब है ऐसा तो बोलूँगा नहीं, रास्ता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ सिंगल गाड़ी जा रही है, ना कोई आगे से है ना कोई पीछे से है, दोनों भी कर तो आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। कोशिश करो कि ये पैच आप जल्दी कवर कर लो, रात ना करो। हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है, 6:45 हो गया है, 5:45। लेकिन हम लोगों को लाइट अभी मिल रही है और विजिबिलिटी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।